अब जिन लोगों के पास में राजमोहिनी जड़ी पहले से है या राजमोहिनी जड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत स्पेशल वीडियो है ये, क्योंकि आज अगर आप इस बात को जान जाएंगे तो आप राजमोहिनी जड़ी लेंगे या नहीं लेंगे, राजमोहिनी जड़ी पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम अभी आपको जो जो बातें बताने जा रहे हैं राजमोहिनी जड़ी के विषय में, वो शायद कोई बताता नहीं है और वीडियो अपलोड करता है और उसको अच्छे खासे लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आते हैं और हमारे जैसा वीडियो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए हमारा काम है आपको अच्छी जानकारी देना, आपका काम है उसको फॉलो करना। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV और एक नए वीडियो में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल। जिस तरह मैं हमेशा आप सभी के लिए एक नया वीडियो बनाता हूँ और उसमें कुछ स्पेशल, कुछ अच्छी जानकारी देता हूँ जिससे आपका काम बने, और बनता है, लोगों का काम बना है। 100 में 80 लोगों का काम, 70 लोगों का काम तो बनता ही है, और 20 से 30 लोगों का काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि या तो वो वीडियो सही से नहीं देखते या तो वो सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी सीरियस हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ये आपके काम का वीडियो है। क्योंकि राजमोहिनी जड़ी बड़ी स्पेशल चीज़ होती है, ये आप भी जानते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो ही बनाए। कुछ लोगों के तो राजमोहिनी नाम से चैनल है, तो अच्छी बात है चैनल बनाना और उसके बारे में बताना, अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतनी ही बात करेगा। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ ये मैंने अपने पूर्वजन से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है, अपने दादाजी से सीखा है, अपने घर के बड़े लोगों से सीखा है जो बड़े ही एक खास और अच्छे दर्जे के तांत्रिक हुआ करते थे। तो आज मैं जो आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ ये उन्हीं लोगों से जानकारी प्राप्त किया मैंने, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, ये जो राजमोहिनी जड़ी है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। मैंने सर्च किया गूगल पर तो राजमोहिनी जड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड पर है। मैंने इसके बारे में बड़ी जानकारी, बड़ी नॉलेज मैंने हासिल किया इसके बारे में। फिर मैंने कुछ लोगों ने बताया कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो मैंने ऑनलाइन भी इस चीज़ को देखने की कोशिश किया तो बड़े ही आसानी से मिल रही है। यह आपको कहीं से भी मिल सकती है, ये मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा कि कहाँ से मिलेगी, मैंने बस ऑनलाइन का नाम लिया है कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब राजमोहिनी जड़ी ले लेंगे तो क्या करेंगे, आप मुझे इसका जवाब देना कमेंट में कि राजमोहिनी जड़ी आपके पास है तो इससे क्या होगा, वो मुझे ज़रूर बताना आप। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जानकारी आगे की देता हूँ, वही आपके काम की चीज़ है। देखिए, राजमोहिनी जड़ी तो ले लिया, किसी ने गिफ्ट में दे दिया, किसी ने सम्मान में दे दिया आपको, किसी ने गिफ्ट में दे दिया आपको, या आप कहीं से परचेस कर लिया, आपने कहीं से खरीद ली, ठीक है। उसमें किस तरह के मंत्र उच्चारण करने चाहिए ये मालूम है आपको। ऑनलाइन अगर आपने लिया है तो क्या आपको मालूम है कि उसमें मंत्र किस तरह सिद्ध करेंगे, क्या वो सारी चीज़ें भी वो देते हैं, क्या वो बता रहे हैं। इस तरीके से शायद तांत्रिक जो होते हैं वो बदनाम होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तांत्रिक बदनाम होते हैं। जो अच्छे घर के लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, और जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आप सभी को बड़ी ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कभी किसी तांत्रिक को बुरा या गंदा या ख़राब मत समझिएगा। कोई भी तांत्रिक किसी को बद्दुआ नहीं देता है और कोई भी तांत्रिक किसी के साथ गलत नहीं करता है। अब आप ही अपना सर फोड़वाने के लिए ओखली के अंदर सर डाल दें तो वो बात अलग है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये दावा भी करते हैं, ये वादा भी करते हैं, वो गारंटी भी लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बाद में वो आपके नंबर को भी ब्लॉक कर देते हैं। बाद में आपसे बात तो अगर आपने बात कर ली तो फिर वो आपको डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, ज़्यादा बोलेंगे आप तो नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो देखो, अगर आप राजमोहिनी जड़ी कहीं से भी लेने जा रहे हो तो उसका मंत्र जो होता है सिद्ध, बिना सिद्ध किए हुए वो काम नहीं करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए मान लीजिए आप वशीकरण करना चाहते हैं, राजमोहिनी जड़ी से आप वशीकरण करना चाहते हैं,
और आप चेक करना चाहते हैं कि वशीकरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना बना करके डाले हैं ऐसा बोलते हुए। वैसा मेरी कोई सोच नहीं है, वो दूसरों की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर वशीकरण होने वाला होगा तो पानी डालेंगे वो चलने लगेगा। तो आप अपनी बीमारी के लिए बोल दो या कुछ भी बोल दो, आप पानी डालने से वो चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। पानी डालोगे जैसे ही वो राजमुनि जड़ी अकड़ना चालू कर देगी, फैलना चालू कर देगी, मुड़ना चालू कर देगी, किसी धागे की सहायता से अगर रख दोगे तो वो चलना शुरू कर देगी। राजमुनि जड़ी में इस तरीके से मामले होते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि राजमुनि जड़ी अगर किसी के पास ओरिजिनल है, अगर किसी के पास भी ओरिजिनल है तो उससे भाग्यशाली इंसान कोई नहीं हो सकता। राजमुनि जड़ी बहुत ही शक्तिशाली जड़ी है, चाहे वशीकरण हो, चाहे तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का तंत्र जादू हो गया हो, उसकी काट करना हो, या किसी के ऊपर तंत्र जादू करना हो, कुछ भी हो, हज़ार प्रकार की बीमारियां हो, मैंने ऐसा कुछ सुना है कि अगर कितनी भी बीमारियां हो तो राजमुनि जड़ी से उसका समाधान है। मगर उसके लिए भी मंत्र होते हैं, बिना मंत्र के वो काम नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पर्स में रख लेंगे तो हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, तो आप रख सकते हो अगर चाहो, आपकी ये आस्था है आप रख सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे मैं हाँ बोल दूँ, आपकी मर्ज़ी, वो आप इच्छा आपकी, आप रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे स्पेशली कि गुरुजी मुझे ये रखना है, आप बताइए कि रखूँ या ना रखूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। राजमुनि जड़ी को पर्स में रख लेने से आप धनवान नहीं बन जाएंगे, आप अमीर नहीं बन जाएंगे, आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके से तंत्र कर देने से आप घर बैठे रातों रात, आप रात को सो जाओ सुबह अमीर हो जाओगे, कभी ऐसा नहीं होता, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों ने इस तरीके से दावे किए हैं कि आप इस तरीके से मंत्र उच्चारण करके सो जाइए और सुबह आपके घर में नोट ही नोट होगा, तो ऐसा मुझे भी बताइए, मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ही पुअर क्वालिटी का इंसान हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप मेहनत करेंगे आप उसका फल तभी पाएंगे, खुद पर विश्वास करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मंत्र का उच्चारण करें ताकि आपकी मेहनत बढ़े, आपका बल बढ़े, आपका जो इच्छा है वो बढ़े। इस तरीके से तंत्र की ज़रूरत होती है। आपके कारोबार में अगर बिल्कुल भी रुकावट आ गई है तो हम उसके लिए भी बड़े स्पेशल काम होते हैं, आप वहाँ पर तंत्र कर सकते हैं, आप वहाँ पर ताबीज़ वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, यंत्र वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ में कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं, वो दुकान में, कारोबार में, शॉप पर बैठ करके करिए, आपका कारोबार बढ़ेगा आगे। लेकिन अगर कोई कहे कि ये वाला मंत्र उच्चारण कर लो और घर में ही रहना, सुबह आप अमीर हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, राजा हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भक्तों। यही चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारे तांत्रिकों को झुका देती हैं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। देखिए काम है ये, आपने हर तरीके से आप हार चुके हो और हारने के बाद में आप तंत्र की शरण में आए हो, तो आप एक बार चांस लेकर के देख लो, तो देख लो तो कर सकते हो, आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। राजमुनि जड़ी अगर है आपके पास में तो उसके लिए जो मंत्र होते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मोहिनी मंत्र होते हैं। और ये मोहिनी मंत्र जो होते हैं वो किसी के पास अगर हों तो आप उनसे प्राप्त कीजिए, उनको खुश कीजिए, जैसे आपको लगता है आप उनको कुछ कपड़ा देकर कुछ कर लीजिए, कुछ मिठाई देकर के कुछ कर लीजिए, वो जैसे आप उनसे प्यार से बोल करके उनको खुश कर दीजिए, उनको सम्मान करके उनको खुश कर दीजिए कि गुरुजी आप मुझे ये मोहिनी मंत्र बता दीजिए, मेरे पर आज मोहिनी जड़ी है, इस तरीके से आपके काम हो सकते हैं। और खुश करने से रिलेटेड ये बात है कि अगर आप किसी तांत्रिक का सम्मान करते हैं और सम्मान में आप उसको ऊँचा उदा देते हैं, उसके आगे आप झुक जाते हैं, उसके पाँव छू लेते हैं, उसका आशीर्वाद ले लेते हैं कुछ इस तरीके से गिड़गिड़ा करके, ये भी एक खुश करने का तरीका है मेरे प्यारे भक्तों। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसा। बहुत सारे तांत्रिक गुरु महाराज बहुत अच्छे अच्छे से लोग हैं काम करने वाले, बहुत स्पेशल तरीके से काम करते हैं, जो सिर्फ मोहिनी मंत्र ही सिद्ध करते हैं, और सिद्ध किया हुआ ही काम करेगा, बिना सिद्ध किया हुआ काम नहीं करेगा। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, एक हनुसी का मंत्र होता है जो उल्टा और सीधा उच्चारण किया जाता है। आप इस मंत्र का उच्चारण करके राजमुनि जड़ी ही नहीं, अन्य जड़ी, बहुत सारी ऐसी जड़ी हैं, उनके ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी को मालूम होगा, हनुसी मंत्र सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग जानने की कोशिश करें, ये भी जानने की कोशिश करें कि ये हनुसी मंत्र कैसे होता है, उल्टा सीधा अगर हम उच्चारण करें। ये ढैया का मंत्र होता है, वहाँ पर काम आता है जहाँ पर सिफली की जाती है, इस बात का ख्याल रखिए। बड़े से बड़ी सिफली को काटने का सिर्फ और सिर्फ
एक ऐसा हमारे पास तरीका है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मात्र 5 मिनट लगेगा। बस उस मंत्र का उच्चारण करके आप स्नान कीजिए, 2 से 3 बार आप स्नान कीजिए, पहली बार से ही रिजल्ट दिख जाएगा। आपका बदन, आपका जिस्म, आपका मन, आप खुद इतना हल्का महसूस करोगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर से कुछ बोझ उतर गया हो। यह होता है ढैया का मंत्र। अगर उच्चारण कर दिया जाए, मगर इसके भी तरीके होते हैं कि कितनी बार हमें उच्चारण करना है और कितनी बार नहीं करना है, कब करना है, किस समय करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कभी कभी तो वो मजाक भी कर लेते हैं, उनको जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। तो देखिए, अगर आप अपशब्द बोलेंगे बीबी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कुछ अपशब्द बोल दे, गुस्से में आकर के बोल देते हैं कि मेरी बीबी ये है वो है इस तरीके से, तो देखिए आप अपनी बीबी को इस तरीके से गलत सलत शब्दों से बोल रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं लगना चाहिए। और कुछ ऐसी बहनें भी हैं हमारी जो अपने पति के लिए इतना गंदा गंदा सा बोलती हैं कि मेरा पति के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और या तो मेरे वश में हो जाए, या तो मुझे उस घर में रख ले, या तो उसके साथ ऐसा हो जाए। तो ये जो गलत भावना है आपके मन में ना, इस तरीके से भावना मत रखिए। अगर आप अपने पति को सचमुच चाहती हैं तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो खुश रहे, ठीक रहे, अच्छा रहे, जहाँ भी रहे वो खुश रहे, क्योंकि यही तो प्यार है। अगर ये ही नहीं है तो फिर वशीकरण किस लिए हो रहा है? खाना तो आप अपने घर में भी खा रहे हो, पानी तो आप अपने घर में भी पी रहे हो, बच्चे तो एक उसके पास होगा एक आपके पास है, तो फिर क्या है आपको परेशानी? वशीकरण अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने पति से प्यार होना चाहिए, अपनी पत्नी से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, ना कि उसको उसको कुछ उसके लिए गलत सलत सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है। और फिर से मैं आपको बोलूं कि अगर आपको राजमुनि जड़ी ना मिले, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, राजमुनि जड़ी नहीं, कोई बहुत सारी ऐसी वशीकरण की जड़ी हैं, बहुत सारी वशीकरण की जड़ी हैं, उनमें से हमारे पास में जो उपलब्ध है, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो काम करते हैं, जैसे आपके मैसेज आते हैं कि मेरा काम हो जाए, ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे पास अगर समय होता है तो मैं खुद कुछ चीज़ों को सिद्ध करके रख देता हूँ। मैंने बहुत लोगों को मैं हमेशा उनकी सहायता करता रहता हूँ, मैं हमेशा कोई आ गया तो मैं उसको दे देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप कुछ स्पेशली चाहिए और राजमुनि जड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप दूसरी सामग्री के माध्यम से वशीकरण कर सकते हैं, जो कि उसमें भी एक कंडीशन है कि मंत्र जो आपको बताया जाएगा, जो मंत्र बताया जाए उस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, क्योंकि बिना मंत्र के उच्चारण के कुछ भी नहीं होने वाला जो हमारे यहाँ से सामग्री जाती है। अब आप बोलेंगे कि मुझे मंत्र नहीं आएगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो देखिए ये सारी चीज़ें अगर थीं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जाती हैं कि आपको मंत्र भी बोलना पड़ेगा एक बार, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार मंत्र का उच्चारण करके सामग्री को खिलाना है। भोजन में खिला दें, अगर खिलाने वाला मामला है तो खिलाई जाएगी, नहीं तो फोटो पे डालने वाला मामला हो तो फोटो पे डाली जाएगी, जैसा होता है। कपड़ों द्वारा भी वशीकरण किए जाते हैं, तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, मगर उसी समय बता दीजिए कि मुझे मंत्र उच्चारण नहीं करना है, आप बस ऐसा कुछ दे दीजिए। तो देखिए, आप बस ऐसा ही दे दीजिए और हम अपने काम में ले लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हमारे यहाँ से एक वशीकरण की सामग्री तैयार की हुई मिलेगी, वो आपको एड्रेस देना होगा, जहाँ पर भी आप मंगवाना चाहो, शहर होगा तो 2 दिन में पहुँच जाएगा, और कोई गाँव एरिया है तो 3 से 4 दिन में पहुँचेगा, लेकिन आपका एड्रेस एकदम सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम सामग्री पहुंचने के बाद में आपको एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का उच्चारण करके आपको वो सामग्री को प्रयोग में लाना है। अब आप उस समय, जिस समय आपके पास मंत्र पहुंचेगा व्हाट्सएप पर, तब आप ये मत कहिए कि मुझे मंत्र नहीं करना है, मेरे पास में आज समय नहीं है, मेरे पास कल समय नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो देखिए, ये सब मंगवाने से फिर आप मत मंगवाइएगा। अगर आपको ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप आधा घंटा दे सकते हैं अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में अगर आप आधा घंटा दे सकते हैं, तो ये वशीकरण की सामग्री आपके लिए स्पेशल होगी। कोई नहीं अगर कर पा रहा होगा काम, हर जगह से हार गए होंगे, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप राजमुनि जड़ी के लिए परेशान हैं कि हमें राजमुनि जड़ी है हमारे पास में तो कैसे, पर उसका एक मंत्र होता है, वो मंत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वो मैंने बता दिया कि कैसे आपको मिलेगा, आप बहुत सारी जगह पे अगर ढूंढ रहे हो तो जहाँ से भी लीजिए, जिससे भी लीजिए, वो आपको सिद्ध करके दे, बिना सिद्ध किए हुए काम नहीं होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत कड़वा है जो सिर्फ और सिर्फ राजमुनि जड़ी के लिए वीडियो बनाते हैं,
और अच्छी बातें बनाते हैं, बहुत अच्छी बातें, लेकिन साथ साथ में आप ये भी बोल दिया करिए कि मंत्र भी होता है। अगर ऐसा बोल देंगे तो किसी को थोड़ी सी भी समस्या नहीं होगी, वो हमेशा वो भी जान जाएगा कि हाँ मंत्र भी होता है, वरना फिर वो तो परेशान रहेगा। राजमुनि जड़ी को गलत सलत बोलते हैं जबकि वो इतनी शक्तिशाली चीज़ है, उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, शायद आपके काम का है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए वशीकरण की सामग्री सिद्ध करी हुई, सिद्ध करके मिले, बस आपको सिर्फ अपने यहाँ पर मंत्र उच्चारण करके उसे खिलाना पिलाना हो, या फोटो पे डालना हो, या कपड़े पे डाल के जलाना हो, या कुछ भी जलाने वाली चीज़ें अगर हम यहाँ से भेजें, उसके लिए अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, सामने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका काम आपके दिल में मालूम है, आपको आपको ही सच कुछ पता है सब कुछ। हाँ अगर आप जेन्युइन हो तो आपका काम 100% बनेगा, वरना मेरी गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ठोकर खा चुके हो, आप बहुत सारी ठोकर खा चुके हो, बहुत सारी जगह से आप तबाह भी हो चुके हो, आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, आपकी ना तो पत्नी घर आ रही है और कुछ लोगों की पति उनको लेने नहीं आ रहे हैं, या उनकी शादी होने वाली थी, शादी में रुकावट आ रही है, बहुत सारी बातें हैं। अगर चाहते हो कि वही इंसान आपको मिल जाए और फिर से उतना ही चाहने लगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए एक रिस्क है वो आपको लेना होगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी किस्मत को बदल देंगे, किस्मत को कोई किसी के नहीं बदल पाएगा, लेकिन एक बार कोशिश होती है, अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। वैसे आप अगर मुझे आइडिया, मुझे मेरे बारे में आइडिया लेना चाहें कि मेरे यहाँ से जिन्होंने काम करवाया या जो हमारे यहाँ से काम करवाना चाहते हैं जो लोग भी, आप एक बार मेरे वीडियो के कमेंट को ज़रूर चेक करिएगा, जितने भी मेरे वीडियो हैं कमेंट को चेक करिए, अगर किसी के साथ में कुछ गलत हुआ होगा तो साबित हो जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।